तो अब शेख साहब करेंगे स्टंट और अब हमिक आ गया रिकॉर्ड करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम मतलब हमारा फोर्थ डे, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा लेट और जल्दी जल्दी डेजर्ट सफारी करने। नीचे हमारी गाड़ी आ चुकी है, फोन भी आ चुका है फटाफट से, लैंड क्रूजर हमारा वेट कर रही है, तो आइए चलते हैं नीचे। तो जब भी आपको डेजर्ट सफारी का पैकेज बुक करते हैं तो उसके अंदर आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस जो आपके होटल से है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलती है, उसके अंदर इंक्लूडेड। तो हमें लेने आई है आज ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर, तो आइए चलते हैं। Came from desert safari only, I guess. Desert safari from here to desert safari 40 minutes. तो डेजर्ट सफारी वाला जो एरिया है वो शारजा से आगे की तरफ है, और हमारा जो होटल है वो है बरदुबई में। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स हमें लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में, और वहीं चल के आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है, और क्या क्या, क्या स्टॉप लेंगे, और कैसे स्टार्ट होगी हमारी ये डेजर्ट सफारी। बैठे हैं।
रही हूँ और सामने नज़ारा ले ले दे रही है सामने रेड सैंडी उसका ड्यून बाइक नहीं क्या कहते हैं इसको कॉर्ड बाइक नहीं ड्यून प्रीमियम ड्यून्स रेड डेजर्ट और ये सामने कॉर्ड बाइक से आप ये भी ले सकते हैं कितने दिरहम की है क्या प्राइस है कॉर्ड बाइक का $250 per person बग्गी भी ले सकते हैं हमने सर मुंह पे कपड़ा बांध के जा रहे हैं हाँ मट्टी पे 40 मिनट्स का वेट टाइम है उसके बाद कुछ देखते हैं उस तरफ जाएंगे मज़ा आने वाला है सही yes. मैंने पहले जैसलमेर में गए प्रिया ने कभी नहीं की डेजर्ट सफारी उसको डर लग रहा था कि भाई उल्टी उल्टी ना आए यार नहीं इतना कुछ नहीं Let's see. चलो मिलते हैं आपको डेजर्ट सफारी और हमारी गाड़ी अब चेंज कर दी गई है पता नहीं कि हेलो किसने बोला आप ओनली टू पर्सन है हाँ जी प्राइवेट है हाँ प्राइवेट है इसका ड्राइवर कौन No, it's okay. आपका नाम क्या है शाहिल शाहिल बहुत अच्छा मजा आएगा मैं पूरा मेरे साथ जाएगा तो मजा आएगा तो अब शेख साहब करेंगे स्टंट और हमें कहा गया रिकॉर्ड करने के लिए देखो
तो बीच में डेजर्ट सफारी में आपको यहाँ पे स्टॉप पे रोक दिया जाएगा, जहाँ पे आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं ड्यून और सैंड बोर्डिंग कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस बात के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं सिर्फ 100 दिरहम में दो बंदों के लिए। तो हमारी लैंड क्रूजर आ गई है और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं उसी स्पॉट पे जहाँ से हमें पिक किया था, वहाँ पे वेट करना है और उसके बाद हम निकल जाएंगे डिनर करने। फिशिंग के बाद भाई मट्टी लगा के आधा किलो मुंह में लेके आ गए हैं और यहाँ वेट कर रहे हैं कैफेटेरिया में, उसके बाद जाएंगे कैंप में। और मरिंडा यहाँ की इतनी गर्मी में Cheers. कैसा एक्सपीरियंस, डर लगा जैसे सोच रही थी? ये बड़े डर रही थी जाने से पहले, स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था बैठने के टाइम पे, उसके बाद आदत हो गई रेत की टिप पे। नहीं, फिर उसके बाद जब जितनी बार भी रेत उड़ रही थी ना तब लग रहा था गए, अब तो गिरे अब तो गिरे, और हमारे सामने क्वाड बाइक गिर भी गई थी तो उनको देख डर लग रहा था। पर हाँ, लैंड क्रूजर तो सेफ थी सारी। पर हमने प्राइवेट बुक किया था, मतलब आप इंडिविजुअली ले तो 80 dirhams पड़ता है पर हेड, और हमने अपनी खुद प्राइवेट बुक की तो हमें पड़ा 500 dirham का डिस्काउंट पे, और वैसे तो 800 dirham 700 dirham मांगते हैं, बट हमने थोड़ा बार्गेन किया। अगर आपको भी प्राइवेट लेनी है एम्बुलेंस आई हुई है तो नंबर में तो हाँ एम्बुलेंस रखेंगे ना, तो अगर आपको भी बुक करना है तो उन बंद जिन भाई का हमने किया था वो उसका नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी डिजर्ट सफारी बुक कर सकते हैं। तो आ गए हमारे पुराने वाले ड्राइवर हमारी ब्लैक लैंड क्रूजर लेके, तो अब ये हम यहाँ से लेके जाएंगे उस स्पॉट पे जहाँ पे हमारा बारबेक्यू डिनर और जितने भी शोज़ वगैरह हैं वहाँ पर हमारे प्लान्ड। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसा क्या इंतज़ाम है। तो पहुंच गए अब हम हमारे डेजर्ट कैंप में जहाँ पे हमारा भाभी को डिनर वगैरह सब होना है। और यहाँ भी एक ट्रिक है जो हमें आगे पता चला कि अगर आप नॉर्मल पैकेज कोई भी लेंगे आपको नीचे की सीटिंग मिलेगी, अगर आपको ऊपर की सीटिंग चाहिए उस तरह सोफ़ा सीटिंग जिसमें आपको प्रायोरिटी सर्विस मिलेगी तो आपको उसके 100 dirham और पे करने हैं, तो आप 100 dirham एक्स्ट्रा ऐड करके चले पर पर्सन। तो गाइस एक और ट्विस्ट, ऊपर 100 dirham देने के बाद भी आपको मैं बता दूं कि आपको प्राइवेट सीटिंग नहीं मिलेगी, एक शेयर्ड स्पेस है और आपके साथ और भी बंदे बैठेंगे यहाँ पे। फॉर्चुनेटली हमारे साथ ये फैमिली मिल गई थी तो बहुत ही मस्त थी और सोचने सही टाइम पास कराया, बट मुझे समझ नहीं आया कि 100 dirham किस बात के हमने दिए जब ऊपर जाके हमें अपनी प्राइवेट स्पेस ही नहीं मिली। तो वी आर एट दी कैंप और एंजॉय कर रहे हैं। तो ट्विस्ट नंबर 3 गाइस की 100 dirham देने के टाइम हमें कहा गया था कि यहाँ पे आपको सर्विस ऑन द टेबल मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी सेल्फ यहाँ पे सेल्फ सर्विस से खुद ही जाकर खाना लेके आना पड़ेगा। और वर्स्ट पार्ट इस खाना इतना गंदा था, इतना चिकन बेकार था कि आई कांट इवन टेल यू, इट्स नॉट इवन ईटेबल। ब्रेंड में सारी परफॉर्मेंसेस डांस फायर शो वगैरह सब ठीक था और इन्जॉय किया काफ़ी, तो उसने सब बैलेंस आउट कर दिया जितना भी हमारा मूड ऑफ हो गया था ये सब चार्जेस दे के। तो इन शॉर्ट में ये कहूँगा कि आपको मज़ा आएगा, फैमिली के साथ आओगे अपनी वाइफ के साथ आओगे, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस डेजर्ट सफारी क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन से आपको बहुत कम मिलने वाला है। Heart and I want more than anything to do.
तो वो होगी दिक्कत व्लॉग में रिकॉर्ड करने की। फोन भूल गए कार में, तो फाइनली मेरा अपना फोन मिल गया। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये डेजर्ट सफारी का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस होटल, और कल हम जाएंगे हमारे दूसरे होटल यहाँ से चेकआउट करके, जो कि है मरीना में। तो आइए चलते हैं।